केंद्र सरकार की नीतियों से खफा आज चौथे दिन भी मुरादाबाद के जिला कलेक्ट्रेट का सभागार के सामने किसान सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि आज कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई है, यानी कि कांग्रेस का पूरी तरह से किसानों के लिए समर्थन है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए विनोद गुम्बर साहब हैं, जो मुरादाबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। सर, किस तरीके से आपका समर्थन है? किसानों के लिए पूरा समर्थन। हम अगर किसानों को कोई समर्थन दे रहे हैं तो हम कोई किसान पे एहसान नहीं कर रहे। हमारी सोच है कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए, हम वोट मांगने नहीं आए, हम किसान के बीच में बैठ के उनके दुख में शामिल होने आए हैं, उनके दुख में शामिल होने आए। किसान बहुत परेशान है। आपने देखा होगा फरवरी के प्रथम माह पर हमने किसानों के लिए एक किसान फॉर्म भरवाए जिसमें 10 कॉलम हम लोगों ने दिए। किसान क्यों परेशान है? किसान के बाद बिजली का बिल ज़्यादा आता है, किसानों को उसकी फसल की जो उसकी फसल की हाँ जो आय है उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसान के खेत में कोई जानवर उनकी फसल को नुकसान तो नहीं कर रहा, किसान का बिल औरों से बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, उनको 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 सब्सिडी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ किसानों का बिल और लोगों से ज़्यादा आ रहा है। इस देश को अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी किया जा रहा है। ये फसल किसान मेहनत से बच्चों का पेट काटकर, उनके पसीनों को काटकर ये किसान फसल उगाता है और हमारी सरकारें इन फसलों को अडानी और अंबानी के हाथों में बेच देती हैं और वो औने पौने भाव से उसको मार्केट में लाती हैं। आज उसी का रिजल्ट है कि टमाटर आपका 50 रुपये, प्याज आपका 100 रुपये के आसपास, आलू आपका 50-60 रुपये बिक रहा है। क्या ये मूल्य किसानों को मिल रहा है? क्या चीनी का जो उत्पादन है, क्या चीनी का पूरा उनका मिल रहा है? क्या धान का पूरा मिल रहा है? ये सब उद्योगपतियों को बीच में दलाली करवा के, उनको देश को गिरवी करवा के, किसानों का खून पसीना लूट कर ये देश को अगर अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो देश अच्छा नहीं। जी, यहाँ पर आप किसानों का समर्थन कर रहे हैं, पूरे देश की अगर बात की जाए जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं, क्या किसानों के लिए आपकी नीति है, क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर? देखिए, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा हमने कहा कि किसानों का बिजली का बिल माफ, उनको किसी प्रकार की अगर खेती में जो आए उनको आनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, सरकार उनके साथ है। लेकिन वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी स्कीम को, हमने बहुत कुछ किया और आगे भी करेंगे। आप देखिए राजस्थान में देखिए, आप पंजाब में देखिए, पंजाब में तो कानून बना दिया। क्योंकि क्यों बना दिया? जो कैप्टन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो खुद किसान है। जो किसान का बेटा होगा उनको पता होगा कि फसल क्या है। जो ऊपर से पैराशूट से आगे मुख्यमंत्री बन गया हो जिनको यही नहीं पता, क्या आप बताइए जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्हें पता है खाद कौन कौन सी होती है? क्या उन्हें पता है कि कौन कौन सी मतलब आपकी रवि की बुराई क्या होती है और उसकी थ्री पी, उन्हें कुछ नहीं पता। वो टपक के आए, उन्हें जब तक किसानों के पीड़ा नहीं जानेंगे देश तरक्की नहीं कर सकता। कब तक आपका समर्थन है किसानों का? जब तक किसान भाई बैठे हैं तब तक समर्थन है। अब तक नहीं, जहाँ तक किसान भाई लड़ाई लड़ेंगे तब तक समर्थन। और 7 तारीख को किसान भाइयों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है, हम लोग इनके साथ आना बसाना होंगे आगे। किसान अगर किसान भाइयों पर किसी प्रकार का, जैसे यहाँ पे चस्पा कर दिया गया है, किसी प्रकार का कोई फर्जी मुकदमा लगाया गया तो कांग्रेस पार्टी उसका जमकर विरोध करेगी। पहले कांग्रेस के ऊपर मुकदमा लगाएं, बाद में किसानों पे लगाएं। अभी किनको यही पता पड़ रहा है किसान हमारा अन्नदाता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमारा एक नारा दिया था, जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान। जवान हमारा सरहद पर हमारी लड़ाई लड़ रहा है, किसान हमारा जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है, जो हमको खाना खिला रहा है, हमारे बच्चों को खाना खिला रहा है। आज किसानों ने अपनी फसलों को गिरवी करवा कर अपने बच्चों को, किसी को IAS बनवा रहे हैं, किसी को IPS बना रहे हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल रही। आज किसान बहुत ज़्यादा भुखमरी के कगार पे, इसको सिर्फ सरकार को देखना है। आप जितने भी बड़े बड़े देश हैं उसमें देखिए, जब किसान अपनी बुआई करता है, बुआई से लेकर कटाई तक सरकार की जिम्मेवारी होती है। अगर किसान की फसल खराब हो गई तो सरकार देगी,
किसान को कोई वहाँ पर चिंता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर किसान को देश और प्रदेश के दोनों सूबे के राजा लूट रहे हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस से मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष विनोद अग्रवाल साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान अगर खुशी रहेगा, खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा। पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद अमृत विचार।